हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। सो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं ऑन द टॉपिक सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द ऑल द जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम परस्पेक्टिव। हर एक जेई एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, उन्हीं में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं, साथ ही साथ उसमें काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमारे कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। मोस्टली अगर आप एक तरह से उसे रिवीजन टाइप लें कि भाई आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करना हो, तो पूरा नोट्स पढ़ने से अच्छा होता है कि आप इस तरह का कोई क्वेश्चन सेशन अटेंड करें, जिससे कि आपका कंप्लीट कवरेज हो जाता है थ्योरी का भी, प्लस न्यूमेरिकल्स का भी, या फिर प्लस क्वेश्चंस का भी, उसमें सीरीज में पूरा कवरेज हो जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसी सेम सीक्वेंस को अपना आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन सीरीज को। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द टॉपिक अफेक्टिव स्ट्रेस, एक प्रॉब्लम में डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट भी इसमें मिलेगा हमें एक, साथ ही साथ पेपर वन जो मल्टीपल चॉइस होता है उसके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है एक, साथ ही साथ पेपर टू जो कन्वेंशनल होता है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस वैरायटी का क्वेश्चन वहां पे पेपर टू में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे हम। क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन में रीड कर देता हूं कि फॉर द सॉइल स्ट्रेटा शोन इन द फिगर द वॉटर टेबल इज लोवर्ड बाय ड्रेनेज बाय 2 मीटर एंड इफ द टॉप 2 मीटर थिक सिल्टी सैंड स्ट्रेटा रिमेन्स सैचुरेटेड बाय द कैपिलरी एक्शन इवन आफ्टर द लोवरिंग ऑफ वॉटर टेबल। नाउ द अफेक्टिव स्ट्रेस इन केपीए एट द मिड हाइट ऑफ क्ले लेयर आफ्टर द फॉल इन वॉटर टेबल विल बी, ठीक है। ये हमें यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाकर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हमें समझ में आया। सबसे पहले जो डायग्राम है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूं। देखो क्वेश्चन में जो डायग्राम है आपके पास इस तरह से डायग्राम है, दिस इज टू मीटर, दिस इज ओरिजिनल ग्राउंड वॉटर टेबल। यहां पर दे रखा है क्या, ओरिजिनल ग्राउंड वॉटर टेबल दिया हुआ है। नाउ ओरिजिनल ग्राउंड वॉटर टेबल, ये आपके पास है सिल्टी सैंड स्ट्रेटा है एंड दिस इज 10 मीटर एंड यहां पर एक और लेयर आपको दे रखी है। इस लेयर की जो हाइट थिकनेस दे रखी है आपको कितना दिया, 7 मीटर एंड दिस इज क्ले एक्चुअली, ठीक है, दिस इज क्ले, ठीक। यहां पे दिया हुआ है क्या, फाइनल ग्राउंड वॉटर टेबल आफ्टर ड्रेनेज, ठीक है। दीज आर द कंडीशंस गिवन। अब इसमें हमें गामा सैचुरेटेड दिया है 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड फॉर क्ले 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि गामा सैचुरेटेड सैंड्स के लिए है 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड गामा सैचुरेटेड फॉर क्ले इज 19 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। गामा डब्ल्यू दिया हुआ है क्या, गामा डब्ल्यू यानी कि यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है आपको 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। यहां पे ये कंडीशन दी है, सैचुरेटेड सॉइल ड्यू टू कैपिलरी। देखो क्वेश्चन की प्रोफाइल समझ में आई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गया, ये इस तरह की हमें सॉइल कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर हमें बताया गया है कि जो वॉटर टेबल है आपका वो फॉल डाउन करी, ओरिजिनल वॉटर टेबल आपकी वहां पे ऊपर मैंने बनाकर दिखा रखी है, लेकिन ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, वॉटर टेबल जो है आपका यहां से 2 मीटर नीचे फॉल डाउन करके यहां पर आ चुकी है। नाउ दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द ग्राउंड वॉटर टेबल, दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ द ग्राउंड वॉटर टेबल आफ्टर ड्रेनेज। तो वॉटर टेबल फाइनली यहां पे है, इनिशियली यहां पे थी, ये 2 मीटर थिकनेस है, यहां पर ये पूरी सिल्टी सैंड इस पोर्शन में प्रेजेंट है, यानी कि 12 मीटर का जितना भी जो रीजन है, ये कंप्लीट जो 12 मीटर का रीजन है, इस पूरे पोर्शन में कौन है, सिल्टी सैंड है। यहां पे ये 7 मीटर पोर्शन में आपका क्ले प्रेजेंट है, गामा सैचुरेटेड दिया है हमें सैंड्स के लिए 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब
गामा सैचुरेटेड दिया है हमें क्ले के लिए 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई अगर वाटर टेबल आपका फॉल डाउन करके नीचे आ गया है तो आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल व्हाट विल बी द आफ्टर द फॉलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, वाटर टेबल के नीचे आने के बाद इस मिड डेप्थ ऑफ द क्ले लेयर पे, यानी कि मिड ऑफ द क्ले लेयर, मिड ऑफ द क्ले लेयर कितना होगा, यहां से 3.5 मीटर पे अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बट द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमें जो दिया है क्वेश्चन में वो क्या दिया है कि सॉइल इज सैचुरेटेड, सॉइल सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के अंदर है, सॉइल सैचुरेटेड ड्यू टू कैपिलरी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन समझ में आया, ऊपर वाली 2 मीटर की सॉइल अभी भी सैचुरेटेड है कैपिलरी के वजह से, वाटर टेबल 2 मीटर नीचे आ चुकी है, मिड डेप्थ ऑफ द क्ले लेयर पे आपको अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है, फाइनल वाटर टेबल पोजीशन वहां पर है, ओरिजिनल वाटर टेबल पोजीशन वहां पे थी। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन में, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से एक ये है कि जैसे सपोज मैं कोई ये कंडीशन कंसिडर करता हूं सॉइल की, लेट अस सपोज आपके पास इस तरह से कोई मैंने ग्राउंड लेवल कंसिडर किया, दिस इज द ग्राउंड लेवल, ये आपके पास क्या है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है हमारा, ठीक है, यहां से कुछ सर्टेन डेप्थ नीचे, यहां से कुछ सर्टेन डेप्थ नीचे आपको ग्राउंड वाटर टेबल देखने को मिल रही है, हियर इज ग्राउंड वाटर टेबल, ये ग्राउंड वाटर टेबल है यहां पे, ग्राउंड वाटर टेबल नाउ, ठीक है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। अब देखो यहां पे आपकी सॉइल प्रेजेंट है, हेयर द सॉइल इज प्रेजेंट इन दिस पोर्शन, द सॉइल इज प्रेजेंट, ये सॉइल है, इस पोर्शन में भी सॉइल प्रेजेंट, इन दिस पोर्शन ऑल्सो द सॉइल इज प्रेजेंट, ठीक। अब यहां पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं पहले। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे हम इस वाले सॉइल का एनालिसिस करते हैं, ये जो इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट है, यानी कि ये जो बिलो ग्राउंड वाटर टेबल है, द सॉइल विच इज प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। देखो ये जो सॉइल है आपकी, जो बिलो ग्राउंड वाटर टेबल, अगर हम बात करें सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल, ये सॉइल आपकी सबमर्ज कंडीशन में है, इज दिस इन सबमर्ज कंडीशन, क्या ये सबमर्ज कंडीशन में है, डेफिनेटली ये सॉइल हमारा सबमर्ज कंडीशन में है। सॉइल का सबमर्ज कंडीशन में होने का मतलब एक सिंपल सा होता है कि हमारी जो सॉइल है वो पूरी तरह से वाटर के अंदर डूबी हुई है, दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ सबमर्ज कंडीशन। सॉइल पूरी तरह से वाटर के अंदर अगर डूबी हुई है तो हम उसको बोलते हैं क्या कि सॉइल हमारी सबमर्ज कंडीशन में है। तो यहां पे ग्राउंड वाटर टेबल से जो नीचे की सॉइल है ये पूरी की पूरी वाटर के अंदर ही तो है भाई, ग्राउंड वाटर टेबल यहां पे मतलब आपको वाटर मिलना शुरू हो चुका है, तो इससे नीचे की जो सॉइल है वो क्या है, सबमर्ज्ड है, दिस इज सबमर्ज्ड। मैं यहां पे लिख देता हूं दिस सॉइल इज सबमर्ज्ड सॉइल, दिस इज सबमर्ज्ड सॉइल। तो एक और पॉइंट यहां से आपको ये भी समझ में आया कि आगे से कभी भी आपको कोई सॉइल है, मान लो जो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे है, आगे से कहीं पे भी हमें अगर ऐसी कंडीशन में सॉइल मिले जो कि ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे होगी, सो हमें समझ लेना है कि दैट सॉइल इज इन सबमर्ज्ड कंडीशन, एनी सॉइल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी इन द सबमर्ज्ड कंडीशन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये मिला यहां से, इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोट्स में, एनी सॉइल बिलो ग्राउंड वाटर टेबल विल बी इन द सबमर्ज्ड कंडीशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अब ये आता है, इस सॉइल के जो वॉइड्स हैं, द वॉइड्स बिटवीन दीज सॉलिड पार्टिकल्स, द वॉइड्स बिटवीन दीज सॉलिड पार्टिकल्स, खुद से हमें ये सोचना है कि ये सॉइल आपकी ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे प्रेजेंट है, क्या इस सॉइल में ये जो वॉइड्स हैं, क्या इन वॉइड्स के अंदर आपको एयर देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ एयर इनसाइड दीज वॉइड्स, इन वॉइड्स के अंदर आपको बिल्कुल एयर नहीं मिलेगा देखने को, क्या मिलेगा, पूरे के पूरे वॉइड्स में आपको मिलेगा क्या, ओनली वॉटर, ऑल द वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वॉटर ओनली, ऑल द वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वॉटर ओनली, क्योंकि यहां पे वॉटर टेबल के नीचे अगर ये सॉइल है, मतलब ये सॉइल आपकी पूरी तरह से पानी के अंदर डूबी हुई है, तो इसके अंदर कहां से एयर आ सकता है, एयर तो पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा यहां से, पूरे वॉइड्स को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, सिर्फ वाटर ऑक्यूपाई कर लेगा। सो सेकंड पॉइंट ये हमें मिला कि पहला पॉइंट देखा आपने कि अगर सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे प्रेजेंट है तो वो क्या रहेगा, सबमर्ज्ड कंडीशन में रहेगा। दूसरा पॉइंट कि अगर सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में है, इफ द सॉइल इज इन सबमर्ज्ड कंडीशन देन ऑल द वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वॉटर ओनली, ऑल द वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वॉटर ओनली, ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं।
ठीक है, वाटर ओनली, पूरे के पूरे वर्ड्स में आपको वाटर मिलेगा, सिर्फ एयर नहीं मिलने वाली यहां पे। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपने। अब अगर पूरे के पूरे वर्ड्स के अंदर वाटर है, सिर्फ वाटर है, अगर पूरे के पूरे वर्ड्स के अंदर सिर्फ वाटर आपको देखने को मिल रहा है, एयर नहीं मिल रही है, इसका मतलब यह है कि सॉइल ये कौन से स्टेट में है, सैचुरेटेड स्टेट में। यह भी तो पॉइंट हुआ। सैचुरेटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय द वाटर ओनली, यही तो मतलब होता है। तो अगर पूरे के पूरे वर्ड्स वाटर से ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉइल आपका सैचुरेटेड स्टेट में भी है, सैचुरेटेड, दिस सॉइल इज इन द सैचुरेटेड स्टेट एज वेल, ये भी यहां से एक पॉइंट बनता है। ठीक, तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से हमने निकाले कि पहली बात, सॉइल बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल विल बी सबमर्ज्ड ऑलवेज, विल बी सबमर्ज्ड ऑलवेज। दूसरी बात, इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड, ये सबमर्ज्ड सॉइल ही तो है जो ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे है, इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड देन ऑल द वॉइड्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वॉटर ओनली। तीसरा कंक्लूजन, अगर सॉइल सबमर्ज्ड है देन वो डेफिनेटली सैचुरेटेड भी होगी। ये देखो, ये सबमर्ज्ड तो था ही, सॉइल अगर सबमर्ज्ड रहा तो पूरे वॉइड्स वाटर से फिल्ड हो गए एंड ये सैचुरेटेड कंडीशन में भी तो पहुंच गई। तो मैं ये यहां से फाइनली कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि इफ द सॉइल इज सबमर्ज्ड देन इट विल डेफिनेटली बी सैचुरेटेड। ये यहां से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिला कि इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड देन इट विल बी सैचुरेटेड एज वेल, इट विल बी सैचुरेटेड एज वेल, ये यहां से आपको कंक्लूजन मिला है। ठीक, लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं होगा, अगर इसका अपोजिट हम बात करेंगे तो वो सही नहीं है, लेकिन अगर सबमर्ज्ड है तो वो डेफिनेटली सैचुरेटेड रहेगा, ये फिक्स्ड होगा, ये यहां से हमने यहां पे समझ लिया। अब हम बात करते हैं और, देखो इस वाले पोर्शन में अगर हम बात करें, अब यहां पे नीचे की बात कर ली हमने ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे की, अब हम यहां पे इससे ऊपर वाले पोर्शन में आते हैं, इस वाले पोर्शन में जो सॉइल आपकी प्रेजेंट है, इन दिस पोर्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, इस पोर्शन में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, सॉइल्स में आपने एक फिनोमिना पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी का फिनोमिना आपने पढ़ा होगा। क्या होता है, जो फ्लूइड होता है या फिर वाटर जो है वो, या लिक्विड जो भी है वो अपने नॉर्मल लेवल से कुछ हाइट ऊपर राइज कर जाता है या फिर कुछ हाइट नीचे फॉल भी कर जाता है, वो डिपेंड्स करता है कि फ्लूइड कौन सा है। अगर हम वाटर के केस में बात करें तो वाटर में आपको क्या देखने को मिलता है, कैपिलरी राइज देखने को मिलता है। क्या मतलब होता है कि वाटर अपने नॉर्मल लेवल से क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई कंटेनर रखूं, सपोज ये मैंने यहाँ पे कोई कंटेनर रखा, ये कोई कंटेनर है आपके पास, इस कंटेनर में आपने क्या फिल्ड कर रखा है, वाटर फिल्ड कर रखा है, वाटर फिल्ड कर रखा है लाइक दिस, लाइक दिस। ठीक है, अब अगर सपोज आप इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर अगर आपको ये छोटी सी ट्यूब इमर्ज करो, एक छोटी सी ट्यूब आपके इसके अंदर इंसर्ट करो लाइक दिस, इस तरह मैंने इसके अंदर ट्यूब इंसर्ट करी, तो इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, ये बॉटम से ओपन है, इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, वाटर लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से कुछ हाइट ऊपर तक राइज कर जाता है। जैसे यहां पे देखो, नॉर्मल लेवल क्या है, नॉर्मल लेवल इज दिस, दिस इज द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर, लेकिन ट्यूब में क्या हुआ, ट्यूब में वाटर आपका यहां तक राइज कर चुका है, अप टू दिस पर्टिकुलर हाइट, यानी कि इतना ऊपर तक राइज कर चुका है नॉर्मल लेवल से। देखो दोनों के लेवल में डिफरेंस है, यहां पे यहां तक है लेवल, ये यहां पे तो यहां तक लेवल मैंने बना रखा है, यहां पे लेवल इतना है, तो ये हाइट जो है, दिस हाइट h, दिस हाइट इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, दिस इज कैपिलरिटी। तो क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से वॉटर कुछ हाइट ऊपर राइज कर जाएगा इस ट्यूब में, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। ऐसा क्यों होता है, क्या इसके रीजन है, बहुत से फोर्सेज यहां पे एक्ट कर रहे होते हैं, एडहेशन होता है, कोहेजन होता है, ठीक है, आपका सरफेस टेंशन भी वर्क कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये डिटेलिंग में आप पूरा इसको पढ़ते हो कहां पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, यू विल डिस्कस दिस कंप्लीट फिनोमेना इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। यहां पे मैंने जस्ट जो रिक्वायरमेंट थी बेसिक हमारे क्वेश्चन के लिए वो मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है, तो इस ट्यूब में क्या मिला आपको, कैपिलरी राइज देखने को मिला है। नाउ अब यहां पे हम आते हैं सॉइल पे, सॉइल में भी यही सेम टू सेम फिनोमेना होता है, यही सेम प्रोसेस आपको सॉइल में भी देखने को मिलता है। कैसे, बट देखो हमें ये, अब हम ऊपर की बात कर रहे हैं, यहां पे देखो क्या होता है, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके, इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ये इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं कुछ, इन द इन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स यू हैव इंटरकनेक्टेड
voids, क्या ठीक है, इंटरकनेक्टेड voids है। अब क्या है कि ये जो इंटरकनेक्टेड voids होते हैं ना, ये सारे के सारे voids एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड voids, ये सारे voids एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो कनेक्टेड voids हैं, इस तरह से ये जो कनेक्टेड स्पेस है, ये क्या होते हैं, ये voids एक दूसरे से कनेक्ट होते होते ये voids एक दूसरे से कनेक्ट होते होते एक ट्यूब की तरह से बिहेव करने लगते हैं। यानी कि एक ये बेसिकली एक ट्यूब की तरह से एक्ट करने लगते हैं। मैंने क्या कहा, ये सारे के सारे voids क्या हैं आपके, इंटरकनेक्टेड हैं। सिंस ये सारे के सारे voids इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये एक बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट होके एक ट्यूब की तरह से बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, एक ओपन ट्यूब की तरह से बिहेव करने लगेंगे। वो एक बात अलग है कि वो जो ट्यूब मैं बता रहा हूं उस ट्यूब की शेप यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। जैसे यहां पे तो यूनिफॉर्म शेप है इसकी, बट वो जो यहां पर फॉर्म होगा, वो जो ट्यूब यहां पे फॉर्म होगा इन voids के इंटरकनेक्टेड होने की वजह से, उसकी शेप यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, बट दैट विल बी एक्टिंग एज अ ट्यूब ऑल्सो। वो एक ट्यूब की तरह से बिहेव करेगा। जैसे यहां पे हमने ट्यूब दिखा रखा है बना के, यहां पर भी एक ट्यूब लाइक फॉर्मेशन बन जाता है। वो एक बात अलग है कि उसके अंदर आपको शेप जो है उस ट्यूब की वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। बट कंक्लूड कर देता हूं बात को कि ये इंटरकनेक्टिंग voids एक दूसरे से जुड़कर एक ट्यूब की तरह से बिहेव करने लगते हैं, बट द शेप ऑफ दैट ट्यूब विल नॉट बी यूनिफॉर्म। नाउ यूनिफॉर्म हो ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन है तो ट्यूब ही, और उस ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा रहेगा। द डायमीटर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि voids का साइज बहुत छोटा है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्यूब की तरह से बिहेव करने लगे। अब क्या होगा, वहां पर आपको ट्यूब में कैपिलरिटी देखने को मिला था, वही सेम प्रोसेस यहां पर भी हो जाता है, सेम कैपिलरी राइज यहां पे हो जाता है। क्यों, ट्यूब को आपने इस तरह से देखो वाटर टेबल के अंदर डाल रखा है, भाई ये voids एक ट्यूब की तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब वो ट्यूब किसमें है, एक तरह से वाटर टेबल से कनेक्टेड ही तो है, जैसे वहां पर हो रहा है काम। ये जो ट्यूब है वाटर से कनेक्टेड होगी वाटर लेवल से, सेम यहां पे भी। ये जो यहां पे ट्यूब बनी voids की वजह से वो वाटर से कनेक्टेड है, तो इस ट्यूब के अंदर भी क्या हो जाएगा, एक कैपिलरिटी का फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। यहां पे भी क्या हो जाता है, कैपिलरी राइज हो जाता है। इन दिस पोर्शन यू विल सी द कैपिलरी राइज ऑल्सो, इससे ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। नाउ कैपिलरी राइज होने की वजह से वॉटर यहां पर इस तरह से क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, समथिंग लाइक दिस। वॉटर विल बी राइजिंग लाइक दिस, इस तरह से वॉटर क्या करता है, राइज करने लगता है। वॉटर विल बी राइजिंग लाइक दिस। ठीक है, ये क्या हुआ, कैपिलरी राइज यहां पर हो गया, कैपिलरिटी की वजह से यहां पर कैपिलरिटी देखने को मिला, जिसकी वजह से वॉटर क्या कर गया, राइज कर गया है। तो दिस इज द राइज ऑफ वॉटर इन दिस पोर्शन। नाउ ये जो राइज होता है वॉटर का, ये अप टू अ सर्टेन हाइट ही आपको देखने को मिलता है। ये वॉटर का राइज एक सर्टेन हाइट तक ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है, एंड उस हाइट को आप क्या बोलोगे, कैपिलरी राइज बोलोगे। क्या कहोगे उसको, कैपिलरी राइज, या फिर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, कैपिलरी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। एंड ये जितने पोर्शन में, ये पूरा का पूरा एक जोन फॉर्म हो गया ना कैपिलरी राइज का, इतने पूरे पोर्शन में आपको कैपिलरी राइज देखने को मिला है। इस पूरे पोर्शन में, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, इस पूरे पोर्शन में हमें कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, जोन ऑफ कैपिलरी राइज, इसको बोलेंगे जोन ऑफ कैपिलरी राइज, इसको हम कहेंगे जोन ऑफ कैपिलरी राइज। नाउ अब होता क्या है कि यहां पे इस पोर्शन में कैपिलरी देखने को मिला, तो इस पोर्शन में कैपिलरी राइज होने की वजह से इस पूरे पोर्शन की जो सॉइल है, लेट अस सपोज मैं इसको एच बोल देता हूं, इस एच हाइट तक की जो पूरे पोर्शन की जो सॉइल है, उस सॉइल के जितने भी voids हैं, वो सारे के सारे इंटरकनेक्टिंग voids क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से वॉटर से फिल्ड हो जाते हैं। कैन यू फील दिस पर्टिकुलर थिंग, कि इस एच हाइट तक के जो भी voids रहेंगे, वो राइज करने के वजह से, वाटर का लेवल राइज करने के वजह से, इस एच हाइट तक में जितने भी voids रहेंगे, वो सारे के सारे voids आपका वाटर से फिल्ड हो जाते हैं। इस एच हाइट तक में सारे के सारे voids क्या हो गए, वाटर से फिल्ड हो गए। नाउ सिंस इस एच हाइट तक के सारे voids वाटर से फिल्ड हो गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सॉइल आपकी पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी, हो चुकी है। डेफिनेटली सैचुरेटेड का मतलब ही क्या होता है, कि पूरे के पूरे voids आपके वाटर से फिल्ड हो चुके हैं। तो एच हाइट तक की सॉइल जो है हमारी, वो क्या हो गई है, पूरी तरह से सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है, सैचुरेट हो चुकी है। नाउ सिंस ये सॉइल आपकी सैचुरेट हुई है, किस वजह से, कैपिलरी राइज के वजह से, कैपिलरी राइज की वजह से ये जो हमारी सॉइल जो है वो सैचुरेट हुई है, तो सो दिस सॉइल इज सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ द कैपिलरी राइज। तो इस एच हाइट तक का जो पोर्शन है, इसमें जो सॉइल लाई कर रही है, उसको मैं बोल सकता हूं जोन ऑफ कैपिलरी
सैचुरेशन, जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो एच हाइट तक का जो पूरा पोर्शन है, दिस इज द जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन, मतलब इस जोन में जो सॉइल सैचुरेट हुई है वो कैपिलरी एक्शन के वजह से सैचुरेट हुई है। पॉइंट क्लियर हुआ हमें? तो ये एच हाइट तक की पूरी सॉइल सैचुरेट हो गई बिकॉज ऑफ द कैपिलरी सैचुरेशन। ठीक, तो ये होता है कि सॉइल में कैपिलरिटी की वजह से भी आपको सैचुरेशन देखने को मिल सकता है। बट एक पॉइंट यहां पे देखो, अब ये सॉइल आपकी सैचुरेट तो हो चुकी है, पर क्या ये सॉइल सबमर्ज्ड है? इस एच पोर्शन की सॉइल, ये सॉइल सबमर्ज्ड थोड़ी है क्योंकि वाटर के अंदर डूबी थोड़ी है पूरी तरह से। ये वाला सॉइल पूरी तरह से डूबा हुआ था वाटर के अंदर, लेकिन ये वाला सॉइल आपका सबमर्ज्ड नहीं है, दिस इज नॉट सबमर्ज्ड। सो पॉइंट इज दैट कि अगर सॉइल सबमर्ज्ड हुआ तो वो डेफिनेटली सैचुरेटेड रहेगा, आई हैव रिटन दैट पॉइंट देयर। लेकिन अगर सॉइल आपका सब सैचुरेटेड है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सबमर्ज भी है, क्योंकि देयर में भी अ पॉसिबिलिटी कि सॉइल सैचुरेट रहे बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। सो दिस सॉइल इज सैचुरेटेड बिकॉज ऑफ द कैपिलरिटी बट इट इज नॉट सबमर्ज्ड। तो यहां से ये क्लियर हुआ, ये सैचुरेट हो गई कैपिलरी की वजह से लेकिन ये सॉइल सबमर्ज नहीं है। तो मैं ये लिखूंगा कि इफ द सॉइल इज सैचुरेटेड इट मे नॉट बी सबमर्ज्ड। इफ द सॉइल इज सैचुरेटेड इट मे नॉट बी सबमर्ज्ड। दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। तो ये पूरा हमें यहां पे प्रोसेस समझ में आया। ठीक, तो यहां पर ये क्या है, पूरा सैचुरेट हो चुका है सॉइल। ठीक, दिस पोर्शन सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेट। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर भी हमें यही दिया हुआ है, देखो इनिशियली वॉटर टेबल यहां पर प्रेजेंट थी, इनिशियली द वॉटर टेबल वॉज प्रेजेंट हेयर, बट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ड्रेनेज, आपने वाटर की एक्सेसिव पंपिंग करके वाटर टेबल को बहुत ज्यादा फॉल करवा दिया। वाटर की आपने एक्सेसिव पंपिंग करी, एक्सेसिव पंपिंग की वजह से जो वाटर लेवल था आपका, वाटर टेबल कहां पे आ गया, वाटर टेबल हमारा यहां पे आ चुका, द वाटर टेबल हैज रीच्ड हेयर, यहां पे आ चुका वाटर टेबल नाउ। तो अब यहां पे इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, अब ये वाला जो सॉइल है इस वाटर टेबल, ये जो ये वाला 2 मीटर का जो सॉइल है, इस 2 मीटर हाइट का जो सॉइल है, अब वो सॉइल क्या सबमर्ज रहा? No, it is not submerged now. अब वो soil submerged नहीं रहा. This is not submerged now. जब water table ऊपर थी तब तो वो submerged था, क्योंकि वो पूरी तरह से water के अंदर डूबा हुआ था. लेकिन जब water table नीचे आई, अब ये soil पूरी तरह से submerged नहीं रहा. ठीक है, अब ये soil submerged नहीं रहा. लेकिन अब ये soil, इसमें question में हमें बता रखा है कि ये जो 2 मीटर का soil है, ये अभी भी क्या है? Saturated है. This is still saturated. ये soil अभी भी saturated है, लेकिन ये जो अब saturated है, वो saturated किसकी वजह से है? वो saturated है because of the capillary action. यानी कि इस 2 मीटर के portion में हमें capillary rise देखने को मिला, जिसकी वजह से ये soil हमारा saturated हो चुका है. ये पूरा यहाँ पे concept है, same concept यहाँ पर apply हो रहा है. तो वैसे तो ये submerged तो नहीं रहा, लेकिन ये अभी भी saturated है because of the capillary action. Capillary action जो मैंने यहाँ पर बताया, same बिल्कुल. ठीक, इससे नीचे वाला वाटर टेबल से नीचे वाला, ये वाला तो आपका सबमर्ज भी है एंड सैचुरेटेड भी है, सबमर्ज भी है सैचुरेटेड भी है, बट ऊपर वाला जो सॉइल है वो सिर्फ सैचुरेटेड है. सिमिलरली ये वाली जो सॉइल है क्ले लेयर की, ये वाली सॉइल भी आपकी सबमर्ज्ड भी है एंड सैचुरेटेड भी है. तो यहां पे ये पूरा हमें पूरी पिक्चर क्लियर हुई क्वेश्चन में. नाउ अब बताना क्या है, इस 3.5 मीटर डेप्थ हमें यहाँ पे मिड ऑफ द क्ले लेयर पे अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सिंपल है, अब तो बस वही इसमें मेन कॉन्सेप्ट था, सैचुरेशन वाला, कैपिलरी सैचुरेशन वाला. तो सिंपल है, अब आगे तो हमें पता क्या करना है, अफेक्टिव स्ट्रेस एट मिड ऑफ क्ले लेयर कैसे निकालोगे? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर से निकालेंगे. ठीक है, पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर. नाउ एक और पॉइंट, कि जो अफेक्टिव स्ट्रेस बताना है हमें मिड ऑफ क्ले लेयर पे, ये कब बताना है? जब वाटर टेबल यहां पर है, नीचे प्रेजेंट है, जब वाटर टेबल यहां पे है ना, इसलिए इस वाले हाइट पे टॉप से 2 मीटर नीचे जब वाटर टेबल प्रेजेंट है, उस समय पे हमें अफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस मिड ऑफ द क्ले लेयर पे. ओरिजिनल वाले पे नहीं करनी है, यहां पे जब वाटर टेबल है तब फाइंड करनी है. तो कैसे फाइंड करें? देखो सिंपल, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, मतलब टोटल स्ट्रेस कैसे लिखोगे? देखो
टोटल स्ट्रेस लिखना है हमें। सेम तरीका टोटल स्ट्रेस लिखने का इस 3 मीटर एट द मिड ऑफ क्ले लेयर का मतलब कहां पर, एट द मिड ऑफ क्ले लेयर का मतलब यहां पे। अब ये वाली हाइट कितनी बचेगी भाई, ये टोटल 7 है तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी, 3.5 मीटर बचेगी ना, ये टोटल बचेगा कितना 7 है, टोटल बचेगा कितना 3.5 बच जाएगा। तो यहां पे इफेक्ट टोटल स्ट्रेस कैसे लिखोगे, इससे ऊपर जो भी सॉइल है उसका यूनिट वेट मल्टीप्लाई करा लो किससे, कि उस कितनी हाइट तक वो वाला सॉइल आपका प्रेजेंट है। जैसे इससे ऊपर आपका यहाँ पे तो इस 3.5 मीटर में तो क्ले है, तो क्ले का यूनिट वेट इंटू 3.5 मीटर कर लेंगे। अब इस ऊपर पूरे वाले पोर्शन में आपका इस पूरे 12 मीटर डेप्थ में हमारी सिल्टी सैंड है, इसका यूनिट वेट मल्टीप्लाई कराओ किससे, इस 12 मीटर से। कौन सा यूनिट वेट कंसिडर करोगे, गामा सैचुरेटेड ही कंसिडर करोगे पूरी सॉइल के लिए, क्योंकि ये वाली सॉइल भी सैचुरेट है, ये वाली सॉइल भी सैचुरेटेड है, तो इस पोर्शन में भी हमें गामा सैचुरेटेड ही कंसिडर करना पड़ेगा। कैपिलरिटी की वजह से भले ही हो लेकिन है तो सैचुरेटेड ही। तो वही सेम सॉइल का यूनिट वेट इंटू उसकी हाइट, तो यूनिट वेट क्या है सॉइल के पास, गामा सैचुरेटेड ऑफ द सैंड, गामा सैचुरेटेड इंटू 12, ये पूरा 12 लिख दिया मैंने, 10+2 प्लस गामा सैचुरेटेड ऑफ द क्ले इंटू 3.5, ये हो जाएगा। नाउ माइनस में क्या करेंगे, अब पोर वाटर प्रेशर एट दिस मिड पे, पोर वाटर प्रेशर कैसे पता लगाओगे, पोर वाटर प्रेशर सिंपल, पोर वाटर प्रेशर होगा हमारा क्या, गामा डब्ल्यू इंटू एच, एच इज द प्रेशर हेड, प्रेशर हेड एट दिस मिड डेप्थ, इस मिड डेप्थ पे प्रेशर हेड की वैल्यू कैसे पता करोगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इसके मिड पॉइंट पे क्या लगाएंगे, पीजियोमीटर लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या करोगे, एक पीजियोमीटर इंसर्ट करोगे ना, उस पीजियोमीटर में क्या होगा, वाटर लेवल राइज करेगा, किस हाइट तक राइज करेगा वाटर लेवल, जिस हाइट तक इस पॉइंट से ऊपर वाटर टेबल प्रेजेंट है, इस पॉइंट से ऊपर हमारा ये 3.5 ये एंड 10 ये, यानी कि 13.5 मीटर हाइट तक, 10+3.5 यानी कि 13.5 मीटर हाइट तक कौन है, वाटर टेबल है, यही तो है ना, इस पॉइंट से ऊपर देखो कितना हाइट ऊपर है वाटर टेबल, यहां पे है, तो यानी कि 10+3.5 यानी कि 13.5 मीटर हाइट तक ऊपर है वाटर टेबल, तो ये जो 13.5 है यही क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मिड ऑफ क्ले लेयर पे क्या होगा, प्रेशर हेड की वैल्यू रहेगी। सो जस्ट गामा डब्ल्यू इनटू प्रेशर हेड, प्रेशर हेड इज हाउ मच, 13.5, दिस इज 13.5, सो जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे, देखो 22 इंटू 12 प्लस 19 इंटू 3.5, 19 into 3.5 माइनस 9.81 into 13.5, ये क्या बनेगा आपका 198.065 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस एट द मिड ऑफ क्ले लेयर। तो ये यहाँ पे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इंपॉर्टेंट क्या था, ये जो सॉल्यूशन किया ये तो कन्वेंशनल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि भाई सैचुरेशन जोन वाले पोर्शन, कैपिलरी सैचुरेशन जोन में आपको टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हुए गामा सैचुरेटेड रखना है, क्योंकि कैपिलरी सैचुरेशन जोन में हमें गामा सेट कैलकुलेट करते हुए वो सॉरी हमें टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हुए गामा सैचुरेटेड कंसिडर करना है। बाकी ये जो दो पॉइंट लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है किसके हिसाब से, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से, किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसे डायरेक्टली स्टेटमेंट टाइप से कि ये बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। तो ये कैसे कैपिलरी भी हो सकता है, अगर कैपिलरिटी हुआ सॉइल के अंदर, कैपिलरी एक्शन हुआ, तो जितने पोर्शन में कैपिलरी सैचुरेशन हुआ है उतने पोर्शन में अगर आप टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करते हो तो आपको गामा सैचुरेट ही कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, कैपिलरी जोन वाले पोर्शन में गामा सेट कंसिडर करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्ट्रेस। दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां से मिला हमें कैपिलरिटी का, ठीक। अब हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस की इसमें रिलेटेड टू द अपकमिंग टॉपिक्स इन द फर्दर लेक्चर्स, लाइक परमेबिलिटी, सीपेज, और बात करेंगे आगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।